हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एस दरबार। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू डिस्कशन। आज 17 अगस्त है एंड एपिसोड 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप आप सभी लोगों ने पिछले सारे एपिसोड्स को कवर कर लिया है। जो भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जाहिर तौर पर जो आपका एप्लीकेशन आई एस दरबार ऐप, वहाँ पर करंट अफेयर्स के क्लासेस आपको दिख रही हैं, पीडीएफ्स आपको पर्सनली भेजा जा रहा है। पीडीएफ के लिए आज मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगी। जो भी लोग यूट्यूब पे मेरा लेक्चर देख रहे हैं, अगर उनको पीडीएफ की ज़रूरत है तो पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। रोज़ की तरह हम लोग करंट अफेयर्स के न्यूज़ को जीएस से लिंक करते हुए पढ़ेंगे। हिंदी माध्यम के छात्र के लिए अलग से हिंदी में पूरे कंटेंट को लाया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी साथ में हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चन को सॉल्व या न्यूज़ को पढ़ने का जो प्रस्पेक्टिव है वो क्या है। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा पहला न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे, आपने देखा होगा, जो जिन्होंने भी द हिंदू न्यूज़पेपर आज पढ़ा है उनको फ्रंट पेज पर ही, फर्स्ट पेज पर ही ये न्यूज़ दिखा होगा। चाइनीज़ ट्रैकिंग वेसल रीच श्रीलंका पोर्ट। तो ये चाइनीज़ जो वेसल है वो वहाँ पर पहुँचा है, कहाँ पर? श्रीलंका में हंबनटोटा पोर्ट पर। हम लोगों ने एक दिन और डिस्कस किया था हंबनटोटा पोर्ट के बारे में। और ये इसका नाम है युआन वांग फाइव। ये एक साइंटिफिक रिसर्च वेसल है। ये देखिए वेसल, ये रहा इस तरीके का पूरा, ये शिप टाइप आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, वेसल है। और ये किस लिए है? चाइना ने ये कहा है कि ये साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए वहाँ पर भेजा गया है। तो श्रीलंका में जो अभी हालात थे वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और वहाँ पे जिस तरीके से अभी आर्थिक मंदी आ गई थी, पेट्रोल प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, और इन सब के पीछे सभी लोगों का क्या कहना था कि कहीं ना कहीं चाइना की वजह से ये कंडीशन आज श्रीलंका में हो गई है। तो जाहिर तौर पर हमेशा की तरह इंडिया वहाँ पर आता है, सपोर्ट करता है, और इंडिया के सपोर्ट से, बाकी देशों के सपोर्ट से स्थिति कुछ हद तक सामान्य हो पाई है। अभी भी वहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो अब चाइनीज़ जब ट्रैकिंग वेसल वहाँ पर पहुँचता है श्रीलंका में हंबनटोटा पोर्ट पर, मालूम है ना हंबनटोटा पोर्ट कहाँ पर है? श्रीलंका में है, ठीक है। तो जाहिर तौर पर जो भी ये बाकी देश हैं जिन्होंने भी उनको बचाने में मदद की है, जैसे कि इंडिया है, यूएस है, और ये हर कोई जानता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से चाइना का प्रेजेंस बढ़ रहा है इंडियन ओशन में या साउथ चाइना सी में, जिस तरीके का डोमिनेंस है चाइना का, ये ना तो यूएस को पसंद है और ना ही इंडिया को। तो इंडिया का पड़ोसी देश है चाइना, लेकिन जिस तरीके से वो इंडिया को घेर रहा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू, BRI के थ्रू, तो यहाँ पे जो इंडिया है उन्होंने भी नाराज़गी जाहिर की है कि क्यों जो चाइना का वेसल है उसको आने के लिए दिया गया फिर से एक बार श्रीलंका में। तो देखिए ये श्रीलंका है, इंडिया के मैप में ये छोटा सा हिस्सा आपको दिखता है नीचे की तरफ, यही है श्रीलंका। जिनको भी नहीं मालूम है वो जान लीजिए, कमेंट करके मुझे आज बताइए कि श्रीलंका भारत के साथ कौन कौन से संगठन में मौजूद है, कौन कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल बिम्स्टेक में क्या श्रीलंका इंडिया एक साथ है? सार्क, क्या सार्क में इंडिया श्रीलंका एक साथ है? SCO, तो आपको कमेंट करके बताना है अभी कमेंट बॉक्स में कि इंडिया और श्रीलंका एक साथ कौन कौन से पार्टिसिपेशन में है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में है। दो तीन नाम भी बता देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो देखिए जो श्रीलंका है इसमें पोर्ट्स हैं जगह जगह पर, एक त्रिकोणमाली पोर्ट है, इधर पोर्ट ऑफ गेल है ना, कोलंबो पोर्ट है, यहाँ पर हंबनटोटा पोर्ट है, ठीक है, ये सारे पोर्ट्स हैं। सो कुछ माइनर पोर्ट है और कुछ मेजर पोर्ट हैं। तो मेजर में त्रिकोणमाली, कोलंबो पोर्ट, गेल और आपका हंबनटोटा, ठीक है। तो जो हंबनटोटा है ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे चाइना का इन्वेस्टमेंट भी है। और त्रिकोणमाली क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर है। त्रिकोणमाली वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर है, ये याद रखिएगा। तो ये सारे जो लोकेशंस हैं वो श्रीलंका के हैं, बट इंडिया के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मायने रखते हैं, क्योंकि श्रीलंका जो है वो इंडिया के बहुत करीब है,
इसीलिए श्रीलंका में होने वाले किसी भी एक्टिविटी पर भारत की खास नजर होती है कि कहीं वो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज अफ्रीकन चीता को लेकर के। हमने एक दिन और डिस्कस किया था अफ्रीकन चीता, मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका से रिलोकेट किया जा रहा है अफ्रीकन चीता को, कहाँ पर, कोनो पालपुर सेंचुरी में, कोनो पालपुर नेशनल पार्क में। यहाँ पर ये कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में, ध्यान दीजिए पूरा मध्य प्रदेश का हिस्सा है, इधर राजस्थान, इधर उत्तर प्रदेश, और ये रहा कोनो पालपुर। तो कोनो पालपुर में लाए जाने का प्रोग्राम था, लेकिन न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि फिर से कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स बीच में आ गए हैं, और जो हमारा प्रोग्राम 15 अगस्त तक कम्प्लीशन का था, ये रीलोकेशन 15 अगस्त तक हो जाना था, लेकिन ये नहीं हो पाया। याद होगा आपको, फैक्ट मैंने बताया था 1952 में से ही एक्सटिंक्ट है चीता भारत में, भारत में चीता नहीं देखे जा रहे हैं 1952 से ही। और अब फिर से एक बार कोशिश है कि यहाँ पे रीलोकेट किया जाए, अफ्रीकन चीता को यहाँ पर मंगाया जाए, फिर से एक बार इंडिया के फॉरेस्ट में, इंडिया के जंगलों में चीता को देखा जाए। तो इसका ये पूरा प्रोग्राम है, लेकिन देखिए अभी तक ये सफल हो नहीं पाया है, लगातार इस पर कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं। जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट में आप इसको एसोसिएट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एनवायरमेंट में ही, पर्यावरण में ही आपको स्पेसीज के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। फैक्ट्स मैंने आपको बता दिया है बहुत सारा। कोनो नेशनल पार्क जो है, कोनो पालपुर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आज हम लोग थोड़ा सा कोनो नेशनल पार्क के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जो कोनो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, इसको 1981 में इस्टेब्लिश किया गया था एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरह। याद है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर स्पेसीज के लिए घोषित किया जाता है, किसी पक्षी के लिए, किसी पशु के लिए, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। बट जब इसको हम ब्रॉडर एरिया, इसको बड़ा कर देते हैं, वो नेशनल पार्क हो जाता है। और नेशनल पार्क इसको कब घोषित किया गया है, 2018 में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। 2018 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था, कोनो नेशनल पार्क। दूसरी बात, अब आपसे अगर पूछ लिया जाए, प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कई बार क्या होता है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिया जाता है, ठीक है, और आपको ये पहचानना होगा कि किस नेशनल पार्क की बात कर रहा है। तो मान लीजिए आपको पीटी में आ गया कि इट वॉज अनाउंस्ड इन 2018 दैट इट इज़ अ नेशनल पार्क फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किसको 2018 में वर्ल्ड नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया राष्ट्रीय उद्यान का वन्यजीव अभयारण्य से, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आ जाएगा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कठियार गिर ड्राई डेसीड्यूस फॉरेस्ट। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि ये यहाँ पर, यहाँ का जो क्षेत्र है वो शुष्क सवाना वन है, इस तरीके से घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय नदी है यहाँ पे, तो आपको पहचानना होगा कि ये किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे किस तरीके के पशु रहते हैं। तो इंडियन लियोपॉर्ड रहते हैं, भारतीय तेंदुआ, जंगली बिल्ली है ना, और भालू, ढोल, देखिए ढोल भी, स्लोथ बियर, ढोल भी एक तरीके का पशु है, ढोल याद रखिएगा, भारतीय भेड़िया, ये सब अगर आ जाता है तो हमें पहचानना है कि ये कोनो नेशनल पार्क की बात हो रही है, और यहीं पे चीता को रीइंट्रोड्यूस करने की भी बात चल रही है। तो ये समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है पिटी में। इसीलिए किसी भी नेशनल पार्क को जो न्यूज़ में है उसका फ्लोरा फौना जानना आपके लिए अति आवश्यक है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो न्यूज़ है हमारा वो पेपर वन, यानी कि आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है, आर्ट एंड कल्चर पेपर वन। हिंदी माध्यम वाले घबराए नहीं, आपको मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ट्रांसलेट करके, उसको आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। लाल किले पर जो अभी मनाया गया हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने कुछ नारे लगवाए है ना, नारी शक्ति को लेकर के। और नारी शक्ति आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से ही भारत में देखी जाती है। इसमें सबसे पहला नाम हमें जो हमेशा याद रहता है वो है रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई मूवी भी आप लोगों ने देख ली होगी, तो अब तो सभी को मालूम हो गया होगा कि रानी लक्ष्मीबाई कौन है। तो आप याद रखिए कि झांसी प्रिंसली स्टेट की क्वीन थी रानी लक्ष्मीबाई, और जब 1857 का विद्रोह होता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे कहा जाता है 1857, तो उसमें रानी लक्ष्मीबाई की जो भूमिका होती है वो बहुत सराहनीय होती है। तो ये याद रखना है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, प्रिंसली स्टेट ऑफ झांसी की रानी थी वो। और ये किसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ी गई थी, जो 1857 का विद्रोह था
वो कौन से एक्ट के आने के बाद हुआ था। हालांकि कई सारे कारण थे, बहुत सालों से कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें चल रही थी, जैसे कि लोगों के मन में आक्रोश था अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आता है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों को उकसाने में कहीं ना कहीं। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आता है, इसको याद रखिएगा। और इसके बाद ही ये विद्रोह शुरू होता है। ठीक है, अब अगला जो नाम है वो रानी गाइदिनल्यू का है। रानी गाइदिनल्यू याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके इनकी तस्वीर भी छपी थी 100 रुपए के नोट पर भारत में। रानी गाइदिनल्यू, इनके बारे में जान लीजिए। इन्होंने हरेका रिलीजियस मूवमेंट को ज्वाइन किया था। नाम हरेका रिलीजियस मूवमेंट ही है हिंदी में भी। हरेका रिलीजियस मूवमेंट को ज्वाइन किया था और ये नागा स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर थी। नागा लीडर इनको आप मान सकते हैं, याद रखिएगा रानी गाइदिनल्यू के बारे में। 1932 व्हेन शी वाज जस्ट 16 एंड लेटर सेंटेंस टू लाइफ। इनको अरेस्ट कर लिया गया था इन 16 साल की उम्र में। ठीक है, बाद में जब भारत आज़ाद होता है तो 1947 में इनको रिलीज किया जाता है। उसके बाद इनके इनका जो पद था, इनका जो दर्जा था, इनको जो मिलना चाहिए था रिस्पेक्ट, वो सब भारत सरकार के द्वारा दिया गया था 1947 के बाद। लेकिन इसके पहले 1932 में इनको जेल में डाल दिया गया था, तब ये सिर्फ 16 साल की थी रानी गाइदिनल्यू। और आज भी इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सभी लोग याद रखते हैं। रानी चेन्नम्मा, तो मुझे लगता है किसी ने सुना होगा रानी चेन्नम्मा का नाम। अगर नहीं सुना है तो जान लीजिए कित्तूर की रानी थी ये। रानी चेन्नम्मा कित्तूर की रानी थी और इन्होंने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिबेल किया था, आर्म उठाए थे। कौन? रानी चेन्नम्मा ने 1824 में। देखिए, ईयर कई जगह पे याद रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको यूपीएससी में अरेंज करने के लिए आ जाए ना कि कब कौन सा इवेंट हुआ था, तो उसमें ईयर हमारे बहुत काम आता है। अगर आप ईयर याद रख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। फिर बाद में इनको भी इम्प्रिजन कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, रानी चेन्नम्मा को। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ जो हमारा है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट को लेकर के है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में क्या चीज़ें हैं और इसमें क्या 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 एनालिसिस है, ये सब चीज़ों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 2022 का वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट आ चुका है और इसमें ये कहा गया है कि भारत जो है वो अपने तीसरे स्टेज में जा चुका है, तीसरे चरण में भारत अभी है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। तो आप लोग सुनते आ रहे हैं ना डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में सुनते हैं, तो जो जनसंख्या का स्तर है वो कितना आगे जा रहा है, कैसा जा रहा है, उसी में ये पूरा फेज होता है, स्टेज होता है, 1 से लेकर के 5-6 तक होता है। तो अभी भारत जो है वो अपने तीसरे स्टेज में पहुंच चुका है। इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग स्लोइंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो धीमी गति से चल रहा है। कॉन्स्टेंट लो मोर्टैलिटी चल रही है, मतलब मोर्टैलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है। मतलब अगर जन्म बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है तो मृत्यु दर भी लगातार घट रही है। तो जन्म का दर भी घट रहा है और मृत्यु दर भी घट रहा है। एंड जो फर्टेलिटी रेट है उसकी क्षमता भी धीमी हो गई है, जिसकी वजह से जो जनसंख्या वृद्धि हो रही थी वो अब कम हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है। तो ये आपको याद रखना है कि भारत अपने तीसरे स्टेज में है। ठीक है, अगला न्यूज़ देखते हैं। 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस पर सेलिब्रेट किया गया इंडिया और ईयू के रिलेशन को भी। ईयू इज यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ और भारत के जो रिश्ते हैं उसको भी 60 साल होने को हैं। और इस उपलक्ष्य पे अभी इन दोनों ने भी अपना जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, राजनयिक संबंध है, उसको भी सेलिब्रेट किया। भारत का जश्न मना रहा है। तो आइए हम जानते हैं थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट फैक्ट इंडिया और ईयू के रिलेशन के बारे में। 1960 इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश रिलेशन विद ईयू इकोनॉमिक कम्युनिटी। जब ईयू यूनियन बन रहा था, जब यूरोपीय देश एक साथ शामिल हो रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, उसी समय 1960 में भारत ऐसा पहला देश था जिसने इनके साथ संबंध स्थापित किया। जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी थी उनके साथ रिलेशन स्टैब्लिश किया। कोऑपरेशन एग्रीमेंट होता है 1994 में। 1994 में दोनों का एक एग्रीमेंट होता है जिसको कि इंडिया ईयू के रिलेशन के लिए बहुत अच्छा माना गया। फिर 2000 में जाकर के फर्स्ट इंडिया ईयू समिट होता है, भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन पहला जो होता है
2000 में, और इसमें कई सारे बदलाव आए, कई सारे बातों पर डिस्कशन हुआ। याद रखिएगा कि 2000 का जो समय था उस समय में भारत का बाकी और जो यूरोपीय देश थे, जैसे आप बड़ी कंट्री में यूएस को मान लीजिए, अमेरिका मान लीजिए, तो अमेरिका वगैरह के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं हुआ करते थे, क्योंकि आपको याद होगा कि भारत ने जो परीक्षण किया था परमाणु का और अपने आप को न्यूक्लियर कंट्री घोषित किया था, उसके बाद भारत को बहुत ज़्यादा कोशिश की गई थी एक तरफा करने की, इन पर कई सारे बैन लगाए गए थे। तो उस समय में याद रखिए कि बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट था 2000 में, जब EU के साथ रिलेशन बहुत अच्छा हो रहा था, दोनों कंट्री आगे बढ़ रहे थे। 2004 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होता है, 2005 में ट्रेड को बढ़ाने की बात की जाती है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब होता है जो सिक्योरिटी संबंधी बातचीत है उस पर काम आगे बढ़ता है, साझेदारी होती है, व्यापार और निवेश तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप IR की बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, किसी भी देश के साथ अपने संबंधों की बात करते हैं, तो वहाँ पे व्यापार और निवेश जो होता है, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड। ये आपको व्यापार और निवेश का जिक्र तो करना ही है कि उस देश के साथ कैसा है, अच्छा है बुरा है, अच्छा करने की कोशिश हो रही है, तो IR में ये बहुत मैटर करता है। एरिया ऑफ कॉपरेशन, कौन कौन से ऐसे सहयोग के क्षेत्र हैं, तो बायलेटरल ट्रेड मतलब द्विपक्षीय व्यापार दोनों। अब देखिए, EU में कोई एक देश तो है नहीं, EU जो है, यूरोपियन संघ जो है, ये इसमें कई सारे देश मिलकर के EU बनता है, राइट? तो इन देशों के साथ भारत का जो व्यापार है, आदान प्रदान है, वो किस तरीके का है। और EU भारत का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है US के बाद। ये 21-22 का डाटा है, इसको आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं, आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं कि US के बाद जो सब सेकेंड लार्जेस्ट अभी भागीदार है व्यापारिक तौर पर, वो EU बन चुका है भारत का। ठीक है ना? फिर ग्रीन, अगर ग्रीन एनर्जी को लेकर के देखें, ग्रीन पार्टनरशिप को लेकर के देखें, जहाँ पर हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसमें भी EU और इंडिया बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। आपको याद होगा जो आपका ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, याद है किसी को, पता है ISA के बारे में? ISA में कौन है? भारत के साथ फ्रांस आता है, जिसने कि बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। भारत को सपोर्ट करने वाला जो देश होता है पहला, वो फ्रांस ही होता है ISA में, कि आप आगे बढ़िए, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो यूरोपियन ऐसे कई सारे देश हैं जो ग्रीन पार्टनरशिप में इंडिया की बहुत मदद कर रहे हैं। इंडिया नॉर्डिक समिट भी होता है जो ग्रीन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, इंडिया नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। याद रखिएगा ये सब, ये मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ आपको, ये सब लिखना है कॉपी में। और ये कब यूज करेंगे? आंसर राइटिंग जब होगा ना तब यूज करेंगे। ठीक है, तो जो भी छोटे छोटे लोग हैं, फर्स्ट ईयर में हैं या 11th 12th में, परेशान ना हो, सुनते जाइए, आपको पता होना चाहिए कि भारत का संबंध यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी है और बहुत अच्छा संबंध है। ठीक है, रक्षा सहयोग तो होना ही चाहिए, डिफेंस कोऑपरेशन तो भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज भारत डिफेंस पर काफी पैसा खर्चा करता है। तो इंडिया EU रेगुलरली कंडक्ट अ जॉइंट मिलिट्री एंड नवल एक्साइजेज, नवल एक्साइजेज और जॉइंट मिलिट्री एक्साइजेज भारत कंडक्ट करता रहता है EU के साथ में। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको दिमाग में रखना है। अब एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन से ऐसे ट्रेड हैं, एग्रीमेंट हैं, जो इंडिया और EU के बीच में है। तो अगर वहाँ पे BTI आता है, बेटिया, तो ये याद रखना है कि ये इंडिया और EU के बीच में है। तो इसीलिए ये सारे जो कीवर्ड हैं वो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको पूरा लिख दिया है, पढ़ लीजिएगा एक बार इसको, ये काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। तो यूरोपियन यूनियन में ये सारे देश हैं, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड, एस्टोनिया, है ना। अभी इसमें UK नहीं है, UK एग्जिट हो चुका है, UK फॉर्मर कंट्री हो चुका है EU का, अभी इसमें EU में UK शामिल नहीं है। बड़े देशों में जो काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं उसमें फ्रांस, जर्मनी, ये सारे इसके पार्ट हैं, इटली, ठीक है, रोमानिया, स्लोवाकिया। तो अब आपके सामने क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है। इन इन UNFOR है ना, तो ये जो नाम है इसमें आपको पहचानना है कि ये, पहले तो अगर आ जाए कि ये किसके किसके बीच में है, तो इंडिया और EU के बीच में है। क्या ये पहला नवल एक्साइजेस था इंडिया EU के बीच में, और ये क्या बे ऑफ बंगाल में हुआ था? इसका सही आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। मैं बता देती हूँ इसका सही आंसर है, चूंकि इसमें नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसको गल्फ ऑफ अडन में कंडक्ट किया गया था, गल्फ ऑफ बे ऑफ बंगाल में नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें नेवी, इंडियन नेवी और इटली, स्पेन और फ्रांस की नेवी ने पार्टिसिपेट किया था।
अगला न्यूज है, 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है श्री अरबिंदो घोष की। अब इस पे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पढ़ने के पूरे पूरे आसार हैं, क्योंकि जब 150th एनिवर्सरी मनाई जाए, 200 साल पूरे हों, 100 साल पूरे हों, तो वो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब ये जो 150 बर्थ एनिवर्सरी मनाया जा रहा है अरबिंदो साहब का, श्री अरबिंदो के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये एक फिलोसोफर, पोएट, इंडियन नेशनलिस्ट, योगी, हर कोई थे, ठीक है। तो अरबिंदो घोष शुरू में एक्सट्रीमिस्ट हुआ करते थे। एक्सट्रीमिस्ट मतलब कि मतलब इनका कहना था कि आप जब आज़ादी आपको लेनी है, ये बात है 1905 के आसपास, कि आज़ादी लेनी है तो फिर तोड़ फोड़ के जैसे भी है आज़ादी लो। तो इन्होंने शुरू में काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट का साथ दिया था, लेकिन बाद में जा करके ये लिबरल हो गए थे और इन्होंने पूरा जो स्वतंत्रता संग्राम वाला था उसको छोड़ ही दिया था, वैराग एक तरीके से ले लिया था। योगी बन गए थे ये अरविंदो घोष जी, लेकिन जब तक ये एक्टिव थे, जब तक ये पूरा जो आपका पूरा चल रहा था स्वतंत्रता संग्राम उसमें एक्टिव थे, तब तक इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया था। और कलकत्ता में 1902 में अनुशीलन समिति को बनाने में इन्होंने मदद की थी, इस्टेब्लिश किया था अनुशीलन समिति। तो अरविंदो घोष जिससे जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा, इनकी मैगजीन भी आती थी जुगांतर के नाम से, ठीक है। इनके भाई के साथ मिलकर के ये जो जुगांतर मैगजीन है इसको इन्होंने निकाला था। इसके बाद इन्होंने जो न्यूज़पेपर है उसको भी एडिट किया था, वंदे मातरम, वंदे मातरम न्यूज़पेपर जो आता था उसको भी इन्होंने एडिट किया था। फिर आर्या मैगजीन को इन्होंने स्टार्ट किया 1914 में। 1908 में अरविंदो साहब घोष को अरेस्ट कर लिया गया था अलीपुर कॉन्स्पेरेसी केस में। उसके बाद ही इन्होंने फिर पूरा जो उधर का रास्ता था एक्सट्रीमिज्म वाला उसको छोड़ दिया था और ये बिल्कुल अलग जोन में आ गए थे। योगा वगैरह को इन्होंने फ्लरिश करना शुरू कर दिया था, ठीक है। अगला न्यूज़ है, नगोर्नो काराबाख रीजन से फिर से एक बार कॉन्फ्लिक्ट इसका न्यूज़ में आ चुका है। नगोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस कॉन्फ्लिक्ट है, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में ये है। दोनों लोग क्लेम करते हैं नगोर्नो रीजन को, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुराना है और अक्सर न्यूज़ में बना रहता है, फिर से एक बार न्यूज़ में आ गया है। तो देखिए इसका रीज़न क्या है, यही है नगोर्नो कोराबाख रीज़न। ये अजरबैजान और इधर ये अर्मेनिया, तो इन दोनों के बीच में अक्सर लड़ाई चलती रहती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नगोर्नो काराबाख का कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन अर्मेनिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ऑप्शन रहेगा रशिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, टर्की, तो आंसर क्या होगा, ऑफकोर्स अजरबैजान, ठीक है। तो आज के इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे अच्छे अच्छे न्यूज़ डिस्कशन के साथ, क्वेश्चंस के साथ। एंड थैंक यू, कैसा लगा डिस्कशन ज़रूर बताइए, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और सब्सक्राइब करते हुए जाइए। थैंक यू सो मच।